गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज द वॉन्डर्स। तो जैसा कि कुछ वीडियोस पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम अपनी थार को मॉडिफाई करवाएंगे, तो आज वो दिन आ चुका है जिस दिन हम अपनी थार को मॉडिफाई करवाने के लिए दे रहे हैं। तो चलते हैं शुएब भाई के पास पहले, फिर उसके बाद चलते हैं BYC। तो दिखाते हैं आपको वहाँ के शॉट्स, पीछे पीछे हमारी थार भी आ रही है तो वो भी दिखाते हैं आपको। ये जो है अपना कबाड़, कबाड़ को बनवाते हैं और मिलते हैं आप लोगों से। खड़ी है इंडिया मोस्ट लग्जूरियस थार जो कि अपने शुएब भाई की है, और वो अंदर वहाँ उस दुकान में वो कुछ यहाँ पे टेंट वगैरह करवा रहे हैं। गए हैं वहाँ पे जहाँ पे हम अक्सर स्मॉल टाउन राइडर की वीडियोस देखते हैं, तो शुएब भाई थार की टेस्टिंग कर रहे हैं थोड़ी बहुत कैसी चल रही है। अभी शुएब भाई की रेस भी लग गई थी एक सफारी वाले के साथ, पूरी की पूरी टक्कर दी है उन्होंने उसको। थार के एक्सपर्ट्स यहाँ पे कुछ बता रहे हैं शुएब भाई को। तो यहाँ पे अभी शुएब भाई हमको ले जा रहे हैं EGR किट दिलवाने के लिए, क्योंकि शुएब भाई की यहाँ पे काफी जान पहचान है और थार के तो स्पेशलिस्ट हैं शुएब भाई। अब ये भाई मेरे को 50,000 दे रहे हैं। कैसे हो भाई, ठीक हो? कैसा लग रहा है जम्मू? हाउ इज जम्मू ट्रीटिंग यू? अच्छा, अभी हम क्या करने आए? हम अभी यहाँ पे EGR किट लेने आए। इतने शर्मा क्यों रहे हो आप? आपको ट्रांसपोर्ट नगर में मैंने देखा कहीं पे। सच बात है? बात तो सच है, आप पता नहीं हमने क्या करते हुए भाई क्या करते हुए गए थे ये पता नहीं। ये हमारे अपने पर्सनल शुएब भाई हैं, तो काफ़ी सारी बाइक्स यहाँ पे खड़ी हैं। निंजा खड़ी है, ये अपनी 10R है, ये रही हमारी EGR किट, और ये रहे शुएब भाई। शुएब भाई हमारे आज सेलिब्रिटी है ना, तभी चलें फिर। अच्छा, शुएब भाई के घर से हम BYC पे जा रहे हैं, तो आगे से यहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी है। आगे शुएब भाई ने अपनी गाड़ी पे थोड़ी सा वो टेंट वगैरह करवाने के लिए दी है, तो वहाँ से वो पिक करते हैं और चलते हैं BYC। हमारे साथ काफ़ी गाड़ियाँ जुड़ चुकी हैं, एक अपनी इंडियास मोस्ट लग्जूरियस थार और हो रही अपनी ऑडी DT। ये तो अपना प्रोजेक्ट कार है ही अपने साथ, तो चलते हैं BYC और मिलते हैं आप लोगों से वहीं पर। अपने स्मॉल टाउन राइडर भाई आ गए, तरुण भाई, और हमारा थोड़ा कंटेंट सेम है, हम भी ऑफ रोड ही कर रहे हैं, ये भी ऑफ रोड ही कर रहे हैं। साथ में हमने ऑफ रोड करना है, ट्रक ही ट्रक हो गया है, मेरी जिप्सी बेचारी छोटी चंगा वाला हॉट टॉप कटवा के फिर से बना रहे हैं, वही ये बात बच्ची बच्ची लग गई जी क्या। देखो अभी पहले मैं कॉन्टेस्ट शुरू करूंगा, पहले पूरे 2 मिनट में थार पे बनाऊंगा फिर उसके बाद, ठीक है। जम्मू की वर्ल्ड फेमस जिप्सी खड़ी है जो कि तरुण भाई की है। भाई का भी चैनल है, क्या नाम है भाई? द वंडरर्स। ओके, भाई का भी चैनल है अपना। कुछ शुएब भाई बवाल करने वाले हैं, हम कुछ ऑडी DT की राइड वगैरह देने की सोच रहे हैं, थोड़ा बहुत मुझे कुछ डरा रहे थे वहाँ पे। बैठते हैं ऑडी DT में, और बैठ चुके हैं हम ऑडी DT में शुएब भाई के साथ। शुएब भाई बच्चे की जान लोगे? भाई आपको कैसे लग रहा है जम्मू की जिंदगी देख के? जम्मू की जिंदगी तो अभी तक तो अच्छी लग रही है, काफी सारी हम वर्ल्ड फेमस कार्स में बैठ रहे हैं जो कि हमारे पूरे जम्मू में वर्ल्ड फेमस है। पूरे जम्मू में वर्ल्ड फेमस है, ये कौन सा लाइन है? ये पर्सनल है ना मेरा। ये कितनी है? 4 सिलेंडर है ना। छोटे बच्चे को शुएब भाई डरा रहे हैं। ये ऑडी DT है, इसके फ्रेमलेस डोर्स वगैरह आते हैं, बाकी तो आगे की शॉट्स आप लोग देख ही रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हम जम्मू में फन कर रहे हैं आज, अपने पूरे भाई लोग हैं यहाँ पे। शुएब भाई से हम पहले भी श्रीनगर में मिले हैं, तो इसके बाद हम जम्मू में आज उनसे मिल रहे हैं। कार की टेस्ट ड्राइव लेके तरुण भाई आ गए हैं। कैसा पिकअप, कैसा लग रहा है? महिंद्रा का ट्रक है, मतलब
मैं आपको बता नहीं सकता, इसमें बड़ी सारी चीज है, जैसे मेरे पास भी थार है, मैं बता रहा हूँ, पिकअप हो गया और इस गाड़ी में ना बिल्कुल भी रफनेस नहीं फील होती, मतलब हर एक चीज ऐसे स्मूथ है। ठीक है, तो यहाँ पर है इंडियाज मोस्ट लग्जूरियस थार जो कि अपने शुएब भाई की है। ये खड़े हैं शुएब भाई, ये है इंडियाज मोस्ट लग्जूरियस थार, ये खड़े हैं अपने भाई बंधु सारे। तब हम लोग बीवाईसी की तरफ जा रहे हैं, वो आगे शुएब भाई की गाड़ी है, ये हम हैं। तो अभी हम तरुण भाई से भी मिले, उनका भी हमने रिव्यू लिया कैसी लग रही है उनको चलाने में थार, क्योंकि रीमैप्ड है सबसे बड़ी बात, और अभी इस पर कोई बॉडी वेट वगैरह खास है नहीं। तो चलते हैं बीवाईसी। यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं बीवाईसी के रास्ते पे, अब यहाँ से थोड़ा सा ही बीवाईसी अंदर रह गए। अब बीवाईसी का गेट पहुँच चुके हैं हम बीवाईसी के बाहर, जहाँ से शुएब भाई की भी गाड़ी बनी हुई है और बाकी जो आप लोग काफ़ी थारें देखते हैं वो भी बनती हैं यहाँ पे। चलते हैं अंदर और पूछते हैं भैया वगैरह से क्या इसका रहेगा, फिर बताते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पर अपनी गाड़ी की इंस्पेक्शन चल रही है कि क्या क्या इसमें करना है, अभी बाकी रहता है। वैसे तो हार्ड टॉप चेंज होगा, बाकी भैया बताएंगे क्या क्या चेंज होना बाकी है अभी इसमें। क्यों शुएब भाई पैसा बैटरी नहीं दे रहा है, पैसा शोर मचा रहा है। तो अभी यहाँ पे गाड़ी हैंड ओवर करने का टाइम आ चुका है, तो गाड़ी की इंस्पेक्शन वगैरह हो रही है, फोटोग्राफी होगी, क्योंकि अगर कुछ इनकी तरफ से होता है तो ये रिस्पॉन्सिबल होंगे, अगर कुछ पहले से तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो आज हम गाड़ी हैंड ओवर करते हैं, और इनका कहना है कि अभी 1 से 1.5 महीना लगेगा गाड़ी को तैयार होने में, तब तक के लिए गाड़ी इनकी हुई, तो मिलते हैं उसके बाद। गाइस अब प्लान कुछ ऐसा है कि हम लोग लंच वगैरह कुछ करके आते हैं, क्योंकि हमने ना सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह किया है ना ही लंच किया है। तो आगे शुएब भाई और तरुण भाई जा रहे हैं, उनके साथ ही चलते करके आते हैं लंच। हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट कैमरामैन, ये डायलॉग बोलने के मैंने 50,000 रुपए लिए हैं। नेफ्ट की IMPS या फिर वो जीपी पे किया, UPI या? क्या हाल है श्याम भाई, सुबह भी मिले थे अब फिर मिल रहे हैं जी। कैसा लग रहा है जम्मू हमारा, खजली कैसी लग रही है पहले ये बताओ। तरुण भाई शुगर है या एसी वाली गाड़ी में बैठे, जिप्सी चला चला के मैं खत्म हो गया आज। तो अब क्या प्लान है, बस प्लान आप ही लेके जा रहे हो कहीं, दिलवा दे फॉर्च्यूनर आपको तरुण भाई। फॉर्च्यूनर क्या मैं बोलूं, कंट्यून गाड़ी। और इसे शुएब भाई आप कुछ आप कह रहे थे, कंफ्यूजन बहुत है तरुण भाई के दिमाग में। अब वो करेंगे अच्छा। हाँ बड़ी गाड़ियाँ हाँ, अंदर की बात है ना, ये अभी बाहर निकलनी नहीं चाहिए थी मगर अब निकल जाएगी। आपने तो बोला खुद ही बोला, कुछ ज्यादा ही फनी हो गया, वही मैंने को बोला यार। तो जी फिलहाल आपने ये चेहरा कहीं देखा है, देखो देखा है सबने देखा। हाँ तो दिल्ली के लिए निकल रहे हैं, और बाकी मैं तो चाह रहा था कि संडे को रुक जाते तो ऑफरोड कर लेते, ऑफरोड वो मैंने सोचा था, लेकिन थोड़ा क्योंकि फॉर्च्यूनर से हमें भी थोड़ा देखने में मजा आता है, लेकिन चलो जो भी सीन्स हैं, बाकी भाई को पूरी सपोर्ट करनी है, और हमारे सब्सक्राइबर जो भी हैं भाई को पूरी सपोर्ट करो। तो बाकी मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय एंड टेक केयर, बाय बाय। ठीक है भाई, कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ व्लॉग में आके, पक्का ऑफरोड के बेहतर बादशाह हो आप? नहीं 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 नहीं, ये तो इनका वो है। चलिए जी ठीक है फिर, ओके बाय बाय, ओके जी।